सर, छठ पूजा को लेकर हमारे देशवासी को, हिंदुस्तानवासी को और शहरवासी को क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके प्राइम न्यूज इंडिया की तरफ से और हमारे तरफ से सभी बिहार वासियों को इस महान छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि सभी लोग आपस में मिलकर इस पर्व त्यौहार का एंजॉय करें और साथ में पूजा पाठ करें। और इस पर्व में सबसे सावधानी बरतना चाहिए कि लोग घाट के पास जाकर अर्घ देते हैं सूर्य भगवान के, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी जरूरी है कि बच्चे अंदर ना जाएं और पटाखे सूची से छोड़ना और सेफ्टी से छोड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान के लक्ष्मीना सेवा सदन में, जहां पे डॉक्टर दीपक कुमार यादव सर हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी जो वातावरण चल रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वायरल फीवर का एक प्रकोप दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों को ये वायरल फीवर हो गया है। इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि ये सर क्या कुछ कहते हैं, इसकी रोकथाम कैसे हम लोग कर सकते हैं, घर पर रहकर घरेलू उपचार क्या है और इस तरह की बीमारी अगर आपके पास होती है तो सर से मुलाकात करने के लिए कितना सटीक टाइम रहेगा और क्या उपचार रहेगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे जी नमस्कार, आपके प्राइम न्यूज़ की तरफ से सभी बिहार वासियों को इस महान पर्व छठ के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि एक महान पर्व आपस से मिलकर भाईचारा की तरह प्रेम से निभाए। सर, आप यहां पे सेवा दे रहे हैं, वैसे आप जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं यहां पे, तो जनरल फिजिशियन में आमतौर पर हर बीमारी को लोग जो भी डॉक्टर हैं देखते हैं, तो सर अभी जो वायरल फीवर चल रहा है, देखा जा रहा है कि आमतौर पर वायरल फीवर आ चुका है और साथ ही साथ डेंगू का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है, इससे कैसे रोकथाम कर सकते हैं? तो वायरल फीवर और डेंगू फीवर का दोनों का पहचान सेम ही है। वायरल बुखार में खांसी जुकाम सिर में हल्का दर्द ये रहता है और डेंगू बुखार में भी सेम ही कंडीशन होता है, इसे फीवर 102-104 होता है। तो अभी सर जो वायरल फीवर चल रहा है और डेंगू चल रहा है, उसको लेकर किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे सर? अभी जो सीजन चल रहा है, वायरल फीवर और डेंगू फीवर दोनों का सीजन प्रकोप काफी ज्यादा से बढ़ा हुआ है। दोनों फीवर में कोई खास अंतर नहीं है, वायरल फीवर भी और डेंगू फीवर भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ये जानलेवा बीमारी कब होता है? जब डेंगू का प्लेटलेट डाउन होता है तब। इस दोनों का सिस्टम सेम एक ही होता है, इसमें शरीर में कोई, जबकि डेंगू के तेज बुखार आते हैं और वायरल फीवर के भी तेज बुखार आते हैं। डेंगू के जब डेंगू किसी मनुष्य के शरीर में जब डेंगू कीटाणु होता है तो मांसपेशियों में खिंचाव में दर्द उल्टी दस्त वोमिटिंग ज़्यादा होता है और वायरल फीवर में ये सब नहीं होता है। वायरल फीवर में केवल सर में तेज दर्द होता है, फीवर 102-103 रहेगा और वीकनेस का भी महसूस होगा, लेकिन डेंगू फीवर में मांसपेशियों में दर्द, हेडक, वोमिटिंग, लूज मोशन, इस सब जिम चलने से काफी ज्यादा रहता है। तो सर यहाँ पे इलाज हो पाएगा? और डेंगू फीवर अगर पेशेंट स्टार्टिंग में फर्स्ट में चला है तो उसको हम लोग नॉर्मल दवा देकर घर पर आइसोलेट करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। पेशेंट आते हैं कब? जब सारा चीज को बिगाड़ देते हैं तब आते हैं, उस कंडीशन को कहीं भेजना पड़ता है या फिर उसको सिम्टम स्टार्ट सिस्टम तुरंत मिले तो उसको हम लोग ओरली दवा से और घर पर आइसोलेट करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर यहाँ पे हम बात करेंगे लक्ष्मीना सेवा सदन में, आप डॉक्टर दीपक कुमार यादव सर जो बैठ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्टर मनोज कुमार सर बैठ रहे हैं, वो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, और आप बीएमएस सर आप हैं और मनोज कुमार सर हैं जो कि बीएचएमएस हैं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ तौर पर। डॉक्टर मनोज कुमार मेरे छोटे भाई हैं, नायरो में अपना अस्पताल चलाते हैं। सर आप यहाँ पे किस किस तरह का बीमारी का इलाज कर रहे हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पर जनरल फिजिशियन के से मिलते हैं, फिजिशियन के साथ शिशु रोग देखते हैं। तो मतलब आप जनरल में फिजिशियन में हर चीज देख सकते हैं, बूढ़े नौजवान बच्चे बूढ़े फिजिशियन में सभी लोग आते हैं, फिजिशियन में जो भी लोग आते हैं देख लेते हैं, जैसे बच्चों का निमोनिया हुआ, खांसी हुआ, फीवर हुआ, लूज मोशन हुआ, डायरिया हुआ, ये सब देखते हैं। और एडल्ट में ब्रोंकाइटिस हुआ, खांसी हुआ, पेट में दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ, लीवर में सूजन हुआ, जोड़ का दर्द हुआ, गांठिया हुआ, फीवर हुआ, ये सब देखते हैं। आजकल सर बहुत सारे पेशेंट जो है उनको दांत खाज खुजली दिनाए ये सब ज्यादा हो जा रहा है, एलर्जी ज्यादा हो रहा है, तो इस सब बीमारी का भी आप इलाज कर रहे हैं? स्किन डिजीज में फर्स्ट एड देकर हम लोग छोड़ देते हैं, काफी पेशेंट लोग रिलीफ ले रहे तो दोबारा आते हैं, फर्स्ट एड देकर छोड़ देते हैं, पेशेंट को रिलीफ तो दोबारा आते हैं, नहीं तो फिर अपना जाकर दिखा लेते हैं। एक और सवाल यहाँ पे सर, आपने लीवर में सूजन हो गया, आंत में सूजन हो गया, पचेदानी में सूजन हो गया, पथरी, हाइड्रोसिल, भगंदर, बुखार, टाइफाइड संबंधित सभी रोगों का इलाज करते हैं आमतौर पर?
जनरल फिजिशियन में जो भी केस आता है सब देखा जाता है, ठीक है जी। सर्जरी होता है तो मैरो हम लोग करते हैं, हाँ। वहाँ से बाहर के सर्जन हमारे आते हैं, हाँ। एमएस डॉक्टर है जो पी एन गुप्ता दौरिया से आया करते हैं, हाँ। और यहाँ पर आमतौर पे आप लोग देख लेते हैं, जनरल फिजिशियन हम लोग देख लेते हैं, रेडियल मूवमेंट होता है तो प्रेफर करते हैं, नहीं तो आप उसके लिए टीम हमारे पास है, टीम से बुलाकर काम कराते हैं। ये लक्ष्मीनाथ सेवा सदन सर यहाँ गोपलापुर बाजार मेन रोड सीवान में स्थित है, और इसके साथ साथ ये प्राणगढ़ी रोड मझौली मोड़ के पहले मैरवा सिटी मॉल के बगल में जी। तो यहाँ भी सर, यहाँ भी देखते हैं सर, यहाँ पर सुबह शाम देखते हैं, दिन मैरवा रहते हैं, भाई हमारे डॉक्टर मनोज कुमार 24 घंटे वहाँ रहते हैं। और आप मतलब आपका टाइम क्या है वहाँ पे? मेरा टाइम वहाँ पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक है वहाँ पे जी। और यहाँ पे? यहाँ पौने 9 से 11 और फिर शाम को 4 से 8। चलिए, तो हमारे सिवान के दर्शक जो हैं, सिवान के जो मतलब पेशेंट है, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं? 9 से 11 मिलना होगा गोपलापुर में, फिर शाम को 4 से 8 बाकी समय मैरवा। और मतलब जो ये एरिया है सर, और ये जिला जो क्षेत्र है, पहले जो पड़ता है एरिया मान लीजिए रामपाल हो गया, गोपलापुर बाजार हो गया, आस पास का जो इलाका है ये काफ़ी जनसंख्या वाला इलाका है, और ये बाजार काफ़ी चहल पहल वाला है, और ये यहाँ के जो पेशेंट थे पहले मतलब भाग दौड़ करते थे, सिवान में तरफ करते थे, मैरवा तरफ करते थे, तो उनके लिए सब सुविधा आपने दे दी है? काफ़ी पेशेंट है जो सिवान में नहीं जाते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं वो ठीक होते हैं, हाँ। हमको नहीं लगता है कि जो पेशेंट हमसे दिखा लेते हैं एक बार सिवान के तरफ करते हैं, और अगर इससे हट के कोई दूसरा रोग हुआ तो लोग जाते हैं, मान लीजिए जो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं बहुत कम ही लोग सिवान जाते हैं। महिलाओं के प्रदत्त रोग जैसे लिकोरिया इस सब का भी आप इलाज? लिकोरिया का ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद में देते हैं, लिकोरिया से हाइजीन मेंटेन न करने के चलते होता है, हाँ। तो शहर में तो इस बीमारी का प्रकोप बहुत कम है, खासकर हाँ। देहात में जो गांव के रहते हैं हाइजीन मेंटेन नहीं करते, उन लोग को बीमारी होता है, साफ सफाई वही हाइजीन मेंटेन उसका दवा। महामारी में दर्द होकर, महामारी में दर्द आना, बार बार बच्चा खराब होना, लिकोरिया धात गिरना, बाजपन जैसी महिला, अच्छा बाजपन का भी सफल इलाज करते हैं? बाजपन का इलाज हम नहीं करते हैं, मैडम करती हैं मेरवा, ठीक है। साथ यहाँ पे एक मैडम भी है, डॉक्टर वंदना मैडम है जो की BHMS है और वो स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ है, तो उनका टाइमिंग क्या है और वो कब देखती है यहाँ पे? वहाँ पर डॉक्टर वंदना मैडम, डॉक्टर मनोज कुमार यादव 24 घंटे रहते हैं, वो अपना संस्था चलाते हैं मैरवा में, हम अपना हम अपने समय से OPD करने के लिए समय से जाते हैं, 11 बजे से 4 बजे 3 बजे तक वहाँ रुकते हैं, अपना OPD करके चले आते हैं, बाकी सब जो पेशेंट निर्मित रहते हैं उनका देख रेख करेंगे वो लोग खुद दोनों मैडम यहाँ भी सेवा देती है कभी कभी। जैसे उस टाइप का केस अगर कोई गायनो केस आ गया पेशेंट से बोल देने को मैडम से दिखाना है, फिर कॉल करने पर अपना गाड़ी से आती है देख के चले जाती है, यहाँ पर देखने का तो देखती हैं तो फिर अपने वहाँ बुला के देख लेते हैं जो भी काम करना है। बहुत सारे पेशेंट जो घर में रहकर इलाज कराना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनका रेडियल मूवमेंट होता है, ले जाने में असमर्थ रहता है, तो रात्रि में सुबह देती है, हाँ रात में तो हम लोग यहाँ 24 घंटे रहते हैं, हम लोग देख लेते हैं, और वो कभी भी यहाँ पे दिन में आकर दिन में अपने आगे कॉल पाके देखे चले जाते हैं, OPD वहाँ पर 24 घंटे रहती हैं, डॉक्टर मनोज जी रहते हैं, डॉक्टर वंदना जी रहते हैं, वहाँ 24 घंटे हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, मतलब टीम आप लोग बस है सर जी, और उस तरह से आप लोग हेल्प करते हैं लोगों की समस्या को, और सर फी क्या रहते हैं? OPD चार्ज यहाँ पर 150 रुपया पर डे एक पेशेंट का, 150 रुपये मात्र सर, और गरीब अनाथ बच्चे गरीब ऐसे तो हम OPD वाला फीस लेकर और देखते हैं, ऐसे तो उससे ज्यादा हम फिर ही देख लेते हैं, सब लोग गांव समाज के आते हैं, सब लोग भाई बहन आते हैं, चाचा भतीजे आते हैं, तो मतलब सिवान में सर 300 फीस लेते हैं लोग, मेरा में मेरा फीस लेते हैं सिस्टम से काम होता है, ये तो लोकल बाजार है, हर का क्लिनिक है, तो सब मतलब 100-150 में सर फी ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे गरीब जो असहाय लोग हैं उनको सेवा देने दवा भी अपने पास हम दे देते हैं, दवा भी देते हैं सर OPD के माध्यम से, जो हमको सिंपल में दवा मिलता है वो भी देते हैं, और हेल्थ कैंप का आयोजन करते हैं सर? नहीं हेल्थ का जरूरत नहीं पड़ता है हमको, मान ले कि जो हमको सेवा हेल्थ में देना है तो कैंप में लगा के देना है हम ऐसे ही देते हैं, तो क्या जरूरत है? देते हैं जो मतलब पेशेंट है अगर उनसे पास कमी है, पैसा की कमी है तो लाते हैं कि दवा हुआ कुछ और देते हैं कुछ और, तो हम केयर नहीं करते हैं, ठीक है जाइए भाई इलाज कराइए फिर बताइए दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो हमारे जो छठ व्रती महिलाएं हैं, बिहार वासी हैं, हिंदुस्तान वासी हैं, सिवान वासी हैं, छठ पूजा को लेकर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आज छठ आज का एक नहाय खाए पर्व भी है सर, बिहार का सबसे महान पर्व, सभी हिंदू भाइयों के लिए महान पर्व छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी लोग सेफ्टी की तरह अपना ये पर्व मनाएं और अपना आपसी में एंजॉय करें। चलिए धन्यवाद, तो ये रहे डॉक्टर दीपक कुमार यादव सर।